लगातार खबरें पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। Kappa Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिबिल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा जेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूं आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका ने तुर्की पर रूस से S-400 एयर डिफेंस मुहादा खत्म करने पर जोर देना शुरू कर दिया। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एटॉर्नी बॉल्कन ने तुर्क वजीर खारजा पर जोर दिया है कि रूस के S-400 मुहादे को बरकरार न रखा जाए। मतद अमरीकी अराकीन कांग्रेस ने यौम पाकिस्तान के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अफगानिस्तान में अमन के क्याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए सेनेटर क्रिस वैन होलन ने कायदे आजम का कॉल भी पेश किया कि जमहूरियत मुसलमानों के खून में है। अमरीका में अवामी मुकामात पर बंदूक लेकर घूमने का किसी को हक नहीं है, ये फैसला फेडरल अपील्स कोर्ट ने बंदूक लेकर जाने के लिए दरख्वास्त के खिलाफ सुनाया। अमेरिका और चीन में से इतिहादी किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एटॉर्नी बॉल्कन ने चीन को मगरिब के लिए खतरा बताते हुए ये भी कहा कि अमेरिका इतिहादियों पर किसी एक की तरफदारी के लिए जोर नहीं देगा। भारत में सर पर पहनी विग में आधा किलो सोना और कैश छुपाकर ले जाने वाले 2 मशकूक अफराद एयरपोर्ट से पकड़े गए। वाकया रियासत तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर पेश आया। तालिबान ने अफगान सदर की मुल्क में सदारती इलेक्शन कराने की पेशकश मुस्तरद कर दी। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से इस साल के आखिर तक दोबारा सदारती इलेक्शन कराने की पेशकश की थी। बरतानिया ने पनाह देने के पुराने निजाम में तब्दीली का ऐलान कर दिया। इमिग्रेशन का नया निजाम इंसानी स्मगलरों और गैर कानूनी तौर पर आने वालों की हौसला शिकनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। सिडनी में कई दहाइयों के बदतरीन सैलाब से 18,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। हुकाम ने मजीद 22,000 अफराद को इन हलाकी हदायत दे दी है। इसराइल के इंतखाबात में इस्लाम पसंद पार्टी किंग मेकर बनकर सामने आ गई। कायद यूनाइटेड अरब लीग कहते हैं कि हम वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का कैंप या इनके हरीफ से मिलने के लिए तैयार हैं और मैं किसी की जेब में नहीं हूं। इसराइली फजाइया के लड़ाका तैयारों और जंगी हेलीकॉप्टर्स ने गजा में हमास के दफातर पर बमबारी कर दी। रॉकेट दागने से कई मकान तबाह हो गए, ताहम जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। बरतानिया में लॉकडाउन का 1 साल होने पर पूरी कौम ने 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की। मलका एलिजाबेथ की क्यादत में आलमी वबा कोरोना वायरस से 126,172 अफराद के मरने पर दुख का इजहार किया गया। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहम खबरें। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने की हमायत कर दी। कहते हैं पासपोर्ट के मामले में नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। मौसम की खराबी के बाइस 23 मार्च को मुलतवी की गई यौम पाकिस्तान की परेड आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। इस मौके पर बगैर पायलट उड़ने वाले तैयारे की नुमाइश भी की गई। ये तैयारा टारगेट की मालूमात और दुश्मन की नकलो हरकत पर बारीक बीनी से नजर रखता है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की नैब में पेशी से कब पार्टी ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। मरियम नवाज लाहौर मार्डर टाउन से नैब ऑफिस जाएंगी। रुकने कौमी सूबाई असम्बली को 200 कारकुन साथ लाने की हदायत की गई है। ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदर शेख की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदर शेख को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। अमेरिकी के सहाफी डैनियल पार्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख की कोर्ट लखपत जेल मुंतकली की इजाजत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख की लाहौर मुंतकली के इकदाम की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया, जिस पर हुकूमत ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। जाली ब्रॉडशीट को $15 लाख देने के जिम्मेदार डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित थे, जिन्होंने इस मतनाज़िया मुहिदे पर दस्तखत किए थे। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने दावा कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने जून 2018 में हाई कमिश्नर का ओहदा संभाला था, जबकि अब्दुल बासित पहले ही मतनाज़िया मुहिदे पर दस्तखत कर चुके थे। आजाद कश्मीर के वादी नीलम में बर्फानी तोदा घर पर कयामत बनकर गिर गया। एक ही खानदान के 5 अफराद दब गए। माँ और 2 बच्चों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि दीगर 2 बच्चों की तलाश जारी है।
सियालकोट में घर में मियां बीवी और दो बच्चों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का अपने बाप के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था। वाकये के बाद से बाप लापता है। बूरेवाला में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात में तीन डाकुओं ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। असलहा के जोर पर नकदी लेकर फरार हो गए। सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अफ्रीकी मुल्क के साइंसदानों ने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। नाइजीरिया ने कोरोना वायरस की दो वैक्सीन तैयार कर ली हैं। मुकामी तौर पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल तजर्बात जारी हैं। थाईलैंड के डॉक्टर्स मरीज के पेट से 60 फीट लंबा टैप वर्म निकाल लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज ने ऐसा खाम गोश्त खाया था जिसके अंदर टैप वर्म के 28 अंडे मौजूद थे। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% से तजावुज कर गई। आलमी वबा से मरने वालों की तादाद 14,000 से ज्यादा हो गई है। वर्जिश से पहले चाय या कॉफी पीने से ज्यादा चर्बी घुलती है। स्पेन के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक वर्जिश से आधा घंटा पहले चाय, कॉफी या कैफीन वाली गिजा इस्तेमाल से जिस्म की चर्बी घुलने की रफ्तार तेज हो जाती है। अब एक नज़र डालते हैं खेलों के मैदान पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 की शानदार फतेह की 19वीं सालगिरह पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप से जुड़ी यादें ताज़ा करने लगे। वसीम अकरम ने फाइनल मैच को अपने करियर का सबसे बेहतरीन दिन करार दे दिया। रमेश राजा का कहना है कि 92 के वर्ल्ड कप में जब किसी मैच में शिकस्त होती थी तो ड्रेसिंग रूम में नुसरत फतेह अली खां की कवाली सुनते थे। बैटिंग कोच यूनिस खां को आज भी फाइनल की एक एक गेंद याद है। क्रिकेट एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में कुर्बत का जरिया बनने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट ने इशारा दिया है कि क्रिकेट रोआबित की बहाली के सिलसिले में बराह रास्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन इशारे मिल रहे हैं। कहा गया है तैयारी रखें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 रैंकिंग की फहरिस्त जारी कर दी। बल्लेबाजों में बाबर आजम का तीसरा नंबर बरकरार है। इंग्लैंड के डेविड मिलान पहले और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच दूसरे नंबर पर हैं। बॉलिंग के टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं। शामिल करते हैं शोबिज और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान की नौजवान अदाकारा हानिया आमिर की डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। अमरीकी शहर लास वेगास के रेस्टोरेंट में खाने का इंतजार करते हुए खूबरू अदाकारा ने अपने दोस्त के साथ डांस शुरू कर दिया। बॉलीवुड अदाकार टाइगर श्रॉफ की बहन ने अपने भाई को कंधों पर उठा लिया। कृष्णा श्रॉफ ने जिम में भाई के साथ की जाने वाली प्रैक्टिस की मुख्तसर वीडियो भी पोस्ट की जिसे मदा खूब पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी ने अपना ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर दिया। मनफ्रिद नाम का हामिल ओवा लाला ब्रांड मर्द और खवातीन दोनों के लिए प्रीमियर क्वालिटी पर्सनल केयर मसनूआत पेश करेगा। आइए अब देखते हैं तिजारत की दुनिया से। इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर की कदर 46 पैसे कम होकर 155.39 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 40 पैसे कम होकर 155.90 रुपए पर आ गई है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 100 रुपए की कमी हो गई। फी तोला सोने की कदर 1,07,200 रुपए हो गई है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। इलामिया के मुताबिक कोरोना वबा के चैलेंजेस के बावजूद इंसानी जानों को बचाने और मशियत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियां बेहतर रही। मारूफ अमरीकी कंपनी टेस्ला से बिटकॉइन में गाड़ियां बेचने का बकायदा ऐलान कर दिया। ये सहूलत अमरीका में रहने वाले अफराद के लिए है। दीगर मुमालिक के अफराद रवां साल के आखिर तक इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है देखते हैं इस न्यूज में। मारूफ स्मार्टफोन कंपनी एप्पल आईफोन का चार्जर फटने से लड़की का चेहरा जल गया। बरतानिया की 17 साल एमी मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर सो गई थी जब मोबाइल धमाके से फट गया। माइक्रो प्लानिंग वेबसाइट ट्विटर के बानी की पहली ट्वीट 45 करोड़ रुपए में नीलाम हो गई। जैक डॉरसी की पहली ट्वीट तकरीबन 3 करोड़ अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी 45 करोड़ रुपए से जायद में फरोख्त हुई। ये रकम बरे आजम अफ्रीका समेत दीगर गरीब ममालिक में फलाई कामों में खर्च की जाएगी। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। हकीकी जिंदगी की रुपेंजल 6 फीट लंबे बालों वाली रूसी हसीना से मिलिए। डायरा कॉम्पानफो रूस ने 17 साल कब सहेली के साथ शर्त लगाने के बाद बाल नहीं कटवाए और आज इनके बालों की लंबाई तकरीबन 2 मीटर हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में मुर्दा जेलीफिश पाकिस्तान में गडानी के साहिल समंदर पर आ गई। इलाके में ताफुन फैल गया। जेलीफिश के मरने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। वेल्स के साहली इलाके में बादलों ने सुनामी की शक्ल अख्तियार कर ली। लैंड विडनों में उठने वाले बादलों को देखकर ऐसा महसूस होता था कि सुनामी आ रहा है। बादलों को देखकर मुकामी अफराद हैरत में डूब गए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवाल के जवाब के लिए हाजिर हूँ। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए पुलाव और नान कबाब, कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1,000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजाम, अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 3106446395।